स्वागत है आपका। आज प्रोटेस्ट का जैसे 18वां दिन है और आज 16 मार्च और पास का दिन। आज सुबह सुबह ही यहाँ पे लोगों की भीड़ उमड़ी भी है, जैसे आप देख सकते हो काफी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। पहले मैं आपको भीड़ दिखा देता हूँ। अब देखते हैं, भीड़ उमड़ी हुई है, काफी लोग आ रखे हैं और लोग जो है इलाहाबाद काफी दूर दूर से भी आ रखे हैं। बहुत भीड़ है यहाँ पे, काफी लोग यहाँ मौजूद है। पीछे जा रही है थोड़ी देर, सुबह का टाइम है तो थोड़ी भीड़ कम है। राहुल एक मैसेज दे मुखर्जी नगर वाले को, जितना जल्दी हो सके ना आए यहाँ पे। नहीं एक मिनट जरा, देख सकते हैं आप यहाँ पे बहुत भीड़ उमड़ी हुई है और सभी की आज महाउपवास है और प्रोग्राम थोड़ी देर में चालू हो जाएगा। काफी लोग इकट्ठा और यहाँ काफी पीछे पीछे बैठ रखे हैं तो आप देख सकते हो। और यहाँ बैरर रखे तो वो भी हटा दिए गए क्योंकि आज काफी भीड़ उमड़ी हुई है। तो मैं सभी से कहता हूँ कि वो जो भी जहाँ भी मौजूद है वो जल्दी से प्रोटेस्ट में आने की कोशिश करें। देख सकते हैं आप यहाँ लोग, आप देख सकते हो भीड़ काफी है यहाँ मौजूद। मैं आज सुबह लाइव दिखा रहा हूँ आपको और जो मेरी वीडियो देख रहा है प्लीज, जो यहाँ पे आ सकता है प्लीज यहाँ पे आने की कोशिश कीजिए। अभी थोड़ी देर में हम थोड़े लोगों से बात भी करेंगे। ये आ गए आज भैया इलाहाबाद से आए आज भी। कैसे भैया, कितने लोग आए आपके साथ? इलाहाबाद से 10 लोग आए हैं और भी मतलब बसें भी आने वाली है। अच्छा, ये सब जयपुर वाले हैं? अच्छा जयपुर वाले, देख सकते हो जयपुर वाले, ये भी जयपुर वाले ही है सारे, देख सकते हो। अरे जयपुर में कुल मिला के कितने लोग आए हुए? कम से कम 10 बस यहाँ मैक्सिमम आई। अच्छा जैसे मैंने देखा यहाँ पे जयपुर के लोग काफी आ रखे हैं, काफी संख्या की तादाद ज्यादा है। अच्छा मैं जानना चाहूंगा जो इलाहाबाद जयपुर में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें कितने लोग शामिल रहे आपके साथ? कितने लोग थे भैया आप बताइए? और यहाँ पे कितने दो थे, यहाँ पे कितने लोग आए? 5-15 बसें आई है और भी आए। अच्छा पहुंचेगा आप सुबह पहुंचेगी, कल रात को पहुंच गए थे? 4 बजे पहुंच गए। अच्छा रात को भी कुछ बसें आई क्या? अच्छा ठीक है, ऐसे जैसे मैंने सुनने में आया कि रात को भी बसें आई थी और बसें अभी और आ रही है और लोगों का प्रोटेस्ट जो है जारी रहेगा। अच्छा ये भी जयपुर के ही लोग हैं, आप देख सकते हो जयपुर के लोग काफी हैं। अच्छा जयपुर में जो लोग हैं टीचर भी उनके साथ आए, जयपुर के टीचर ठीक है, चलो हम टीचर से ही बात करते हैं थोड़ी देर में। अच्छा मैं कोशिश करना चाहूंगा कि आप सभी जो है ज्यादा ज्यादा मात्रा में हंगर स्ट्राइक में आए ताकि प्रोटेस्ट हमारे सफल हो जाए आज की। आप देख सकते हो भीड़ काफी मौजूद है। अच्छा इलाहाबाद के लोग कहाँ बैठे? इलाहाबाद वाले कहाँ हैं? इलाहाबाद वाले भी हैं यहाँ पे और भी है इलाहाबाद वाले, और कोई इलाहाबाद वाला भी है? अच्छा इलाहाबाद से बस ही नहीं आई? अच्छा अच्छा ऐसी आ गए। अच्छा इलाहाबाद से और कोई? इलाहाबाद से आप देख सकते हैं यहाँ पे इलाहाबाद से आ रखे लोग काफी सारे, ये सब इलाहाबाद से आ रखे, जयपुर से भी आ रखे काफी लोग, ये देखो सब काफी लोगों का जज्बा खत्म, जज्बा बहुत ज्यादा है और उम्मीद है कि आज प्रोटेस्ट काफी अच्छा होने वाला है और आज ही हमारी मांगे सारी मान ली जाएगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। और मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी जो है, हाँ ये मांगे जैसे हमने कल डिसाइड कर रहे, दोबारा मैं दोहरा देता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग बेंच के दिन SSC के द्वारा गत वर्ष कराई गई सभी परीक्षाओं एवं संपूर्ण कार्य प्रणाली की CBI से निष्पक्ष और सीमित समय में जांच हो और
जांच पूरी होने तक एसएससी द्वारा कराए जाने वाली सभी ऑनगोइंग एग्जाम सभी परीक्षाओं पर तत्काल प्रभाव पर रोक लगा दी जाए। आप देख सकते हो युवा लोग जो है अपनी हक के लिए यहाँ पे सब इकट्ठे हैं, काफी दिखा रहे हैं, यहाँ पे मेहनत काफी कर रखी है लोगों ने। जो पास का दिन है आज, काफी महत्वपूर्ण डे आज का, इतिहास में याद रखा जाएगा। चालीस लाख में इनकम टैक्सेस हो रखा है। अच्छा, अभी दिल्ली से बाहर कौन कौन से लोग आ रहे हैं, जरा हाथ उठा सकते हैं? वरी ज्यादा दिल्ली से लोग बाहर आ रखे हैं। अब भीड़ काफी ज्यादा है, तो मैं एक बारी रिक्वेस्ट करूंगा दिल्ली वालों से जो मुखर्जी नगर में बैठ के पढ़ रहे हैं, उन वो भी यहाँ पे प्रोटेस्ट में शामिल हो, क्योंकि जैसे दिल्ली से बाहर जब लोग यहाँ पे आ सकते हैं तो आप दिल्ली में रहकर यहाँ पे जरूर आ सकते हैं। क्यों भाई, आ कि ना? तो सभी से रिक्वेस्ट है जो भी मुखर्जी नगर में लोग हैं वो यहाँ पे बड़ी ज्यादा संख्या में आए। लाइन लगा रखी है कि इससे आगे कोई प्रोटेस्ट नहीं, लोग नहीं आएंगे। काफी सफाई का ज्यादा ध्यान रखा गया है आज बहुत ज्यादा। चलो मैं आपको यहाँ से ही फुटेज देता हूँ एक बारी। जैसे कि आप देख सकते हैं लोगों ने अपने हाथों में भी लिखा रखा है दो मांगे इनकी केवल, जैसे मैं आप रिपीट कर चुका हूँ। बकोड़ा पॉलिटिक्स से हल हुई थी हमारी, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा कल का। सफाई का ध्यान रखा जा रहा है विशेष ख्याल से, सफाई की स्वच्छ भारत अभियान का मिशन। देख सकते हो आप यहाँ पे प्रोटेस्ट में काफी लोग बड़ी संख्या में हैं, ये संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी और ये पीछे तक जाने वाली है। आज ये हंगर स्ट्राइक है, पाकिस्तान से भी लोग आ रहे हैं, ये ज्यादा हो जाएगा। आपको यहाँ से फुटेज दिखाते हैं, लोग काफी मात्रा में यहाँ से आ रहे हैं। ये एसएससी का अब देख सकते हो काफी लंबा डेस चल रहा है और भीड़ खत्म नहीं हो रही है, और ये भीड़ लगता खत्म होगी भी नहीं लगता है। भैया भी यहाँ मौजूद है, भैया का कल पेपर है, लेकिन फिर भैया प्रोटेस्ट में शामिल है हमारे साथ। हाँ जी भैया, आप क्या, जैसे मैंने अभी देखा पीछे काफी इलाहाबाद से लोग आ रखे हैं, जयपुर से काफी लोग आ रखे हैं, लेकिन दिल्ली वाले बहुत कम दिख रहे हैं, तो आप दिल्ली वाले से क्या अपील करना चाहोगे? वैसे तो दो बच्चे देख रहे हैं यहाँ पे, बहुत आ रखे मैंने जैसे पीछे। हाँ जी बिल्कुल जी, जरूर आना, बदनाम हो जाओगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। और ये बच्चे है ना, सब आपको बिल्कुल हर दोस्तों, मुझे अभी यहाँ पे 500 से ज्यादा लोग लाइव देख रहे हैं, तो आप उनको जोश दिखा दो कि हम जितने यहाँ पे मौजूद है वो भी यहाँ पे आए और जज्बा दिखाए अपना, तो प्लीज एक बार जोश से नारे लगाएंगे। Yeah!
सेवेना को भी दिखाई आज की वीडियो, ये काफी यहाँ पे जैसे पहली वीडियो है आज सुबह की, लेकिन काफी वीडियो यहाँ पे आएगी आज सुबह से। प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है और ये प्रोटेस्ट काफी आज बहुत बड़ा होने वाला है। We'll be right back.